तो देखिए हालात लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, यमुना का जो पानी जिस तरीके से बाहर आ रहा है, मार्केट्स में पानी आ गया है और हालात अब बद से बदतर हो चुके हैं। तो इन तस्वीरों को हम लाइव इस वक्त झलको दिल्ली पर दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। रेस्क्यू लगातार यहां पर चल रहा है लोगों का, क्योंकि लोग अंदर फंसे हुए हैं, लोग निकलना नहीं चाहते हैं, लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। सरकार ने ये नाव चलवा दी है, जिस नाव में मैं इस वक्त बैठा हूँ, दिखा दीजिए आप, मैं खुद इस नाव में बैठा हूँ। सरकार ने नाव चलवा दी है पर लोग नाव में बैठने को तैयार नहीं है, प्रशासन को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। मैं खुद को जोखिम में डालकर यहाँ पर हूँ। देखिए कितना ज्यादा गहरा और गंदा पानी है और मैं अपने इक्विपमेंट्स के साथ, कैमरे के साथ, माइक के साथ यहाँ पर इसलिए उतरा हूँ ताकि कहीं ना कहीं जो सच्चाई है, जो वास्तव हालात है, वो मैं आपको दिखा पाऊँ किस तरीके से अब यमुना नदी का जो पानी है, यमुना नदी का जो प्रकोप है, वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों के लिए किस तरीके से बड़ी समस्या निकल कर सामने आई है। आज ये हालात मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं खुद नाव पर बैठा हूँ और आप खुद ये तमाम हालात इस वक्त देख सकते हैं। इलाके के अंदर जा रही है नाव और लगातार जो हालात हैं वो इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा। कैमरा पर्सन थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए गौरव मेरे सहयोगी, और हालात जो है वो लगातार हम लोग दिखाएंगे अपने दर्शकों को। नाव में हम लोग चल रहे हैं, नाव की सवारी से हम लोग ये हालात आपको, ये विजुअल्स आपको एक्सक्लूसिव आपको दिखा पा रहे हैं किस तरीके से पूरा की पूरा जो इलाका है वो पानी में हो चुका है, पानी भर चुका है पूरे इलाके में। अब लोग यहाँ पर कैसे रहेंगे आप सोचिए। इन तस्वीरों को आप देखिए आप इन तस्वीरों को किस तरीके से पूरे इलाके में पानी भरा, आज के बीच देखिए आप, ये कवरेज मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ और देखिए कितना ज्यादा पानी पूरे इलाके में भर गया है। ये तमाम वो दुकानें मेरे बगल में, जिन दुकानों का हालत बदहाल हो गए हैं, ये तमाम वो घर हैं, तमाम वो जगह है। आज यमुना के पानी ने इस पूरे इलाके को तब्दील कर दिया है पानी की नगरी में। नाव भी डगमग हिल रही है, हमें डर है कहीं ये नाव जो है टेढ़ी ना हो जाए, कहीं ये नाव गिर ना जाए और कहीं भी कोई दुर्घटना ना हो जाए। देखिए लोगों के फ्रिज है, देखिए किसी का फ्रिज यहाँ पर रखा हुआ है और लोगों के सामान लगातार यहाँ पर लगे हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए जान को जोखिम में डालकर, मैं तो इनका साधुवाद दूंगा जो ये नाव चला रहे हैं, दिखाइए आप कैमरे पर, ये वो योद्धा हैं, ये वो लोग हैं जो लगातार लोगों को यहां से निकाल रहे हैं। आज इनका धन्यवाद होना चाहिए क्योंकि इनकी भी फैमिली है, इनके भी बच्चे हैं, उनकी जान को जोखिम में डालकर ये आज खुद उगे। देखिए वो भाई साहब, दिखाइए, देखिए भाई साहब का धन्यवाद करें, डर नहीं लग रहा है भैया, आज सेवा करने निकले हैं। नहीं जी नहीं, जान को जोखिम में डालकर बचाएंगे लोगों को, बिल्कुल जी, बचाना तो पड़ेगा ही। तो देखिए ये वो योद्धा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ जो नाव पर बैठे हैं, ये वो योद्धा है जो कहीं ना कहीं आज बचाते हुए लोगों को नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन एक बार खड़े हो जाइए, ये हालात आप दिखाइए इस इलाके में किस तरीके के हालात बन गए हैं। आपको हालात दिखाते हैं किस तरीके के हालात लगातार बने हुए हैं, आपको हालात में दिखा रहा हूँ लगातार। देखिए हम जान को जोखिम में डालकर, देखिए पेड़ पौधे लगातार इस इलाके में दिखते हुए, मतलब मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मेरे पत्रकारिता के करियर में कभी ऐसा भी दिन आएगा कि नाव पर चलकर मुझे किसी सड़क पर उतरना पड़ेगा और अपने दर्शकों को इस तरीके के हालात दिखाने पड़ेंगे। पर आज देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से यमुना नदी ने अपना प्रकोप दिखाया है, हम आपको दिखाएंगे। आज कोई पत्रकार यहाँ पर नहीं है ये सच्चाई दिखाने के लिए, पर मैं यहाँ पर उतरा हूँ। ये देखिए पीपल का पेड़ है, कहीं ना कहीं ये खतरा है, पर हम अपने आप को जोखिम में डालकर, झलको की टीम इस वक्त उतरी है और देखिए कहीं भी कुछ भी हमें लग सकता है, हमें नहीं पता कि कब नाव डिसबैलेंस हो जाए, क्या घटना हो जाए। ये नाव वाले भैया नहीं डर रहे हैं, हम भी हौसला रखकर आपको ये सच्चाई दिखा रहे हैं। सच्चाई इसलिए, ना ही कोई विधायक इस नाव में बैठने की हिम्मत करेगा, ना ही दिल्ली सरकार का कोई मंत्री इसमें बैठने की हिम्मत करेगा, ना ही कोई सांसद यहाँ बैठने की मदद करेगा।
मैं कहता हूँ ना सीएम खुद यहाँ पर बैठेंगे, पर आज मैं खुद यहाँ पर बैठा हूँ, ये तमाम लोग आम जनता यहाँ पर बैठी है और ये हालात मैं आपको दिखा रहा हूँ इस कॉलोनी के। ये देखिए, देखिए लोगों को किस तरीके से रेस्क्यू किया जाएगा, ये लोग किस तरीके से, एक पूरी मार्केट पानी में डूब चुकी है, लोग पानी में उतरे हुए हैं, ये तमाम वो दुकानदार हैं जो इसी मार्केट में दुकानदारी करते हैं, ये पूरी की पूरी मार्केट जो है, पूरी की पूरी मार्केट के जो हाल हैं वो कहीं ना कहीं बदहाल होते हुए नजर आ रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं और कहीं ना कहीं ये समझ सकते हैं कि अब बरसात की वजह से ये लद्दाख बोध विहार की ये मार्केट है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, बेला रोड की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। तमाम लोग जिस तरीके से पानी में होकर गुजर बसर कर रहे हैं और ये तमाम उनकी दुकानें हैं। सर क्या पूरे में बाढ़ आ गई है? हाँ जी, पूरे में, जी पूरे में हो रहा है सर। आपकी दुकान थी अंदर? हाँ जी, अंदर गए कपड़े के, अभी नीचे नीचे सब डूब गए। इतना नुकसान हो गया है? बहुत नुकसान, अब देखने ही है अभी बाकी। अभी किस चीज की आपकी शॉप? ये कपड़े की है सब, कपड़ों की शॉप। ये देखिए तमाम जो लोग हैं किस तरीके से पानी में उन्हें निकलना पड़ रहा है। आपकी शॉप भी डूब गई है? हाँ, हमारा भी शॉप है। किस चीज का शॉप है? बच्चों का शॉप है, बच्चों का। पूरा डूब गया है? आधा डूब गया है। कितना सामान का नुकसान हुआ है? नुकसान तो अभी काफी हुआ है। क्या उम्मीद है सरकार कुछ मदद करेगी क्या? मुझे तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा है सरकार, अभी तक कुछ सरकार से कोई उम्मीद नहीं है इनकी। और देखिए हालात, तमाम लोग अब यूं ही सड़कों पर उतरे हुए हैं, तमाम महिला क्या, बुजुर्ग क्या, बच्चे क्या, सभी यहाँ पर उतरे हुए हैं। और आलम आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए पूरा भर गया है पानी। पानी नहीं भरा है अंदर तक भर गया है पूरा। देखिए किस तरीके के हालात हैं, इन हालातों को आप देख सकते हैं। अब दिल्ली में कहीं ना कहीं खतरा हो गया है बाढ़ का। और आपको बता दें वो पानी है जो पानी हरियाणा से होते हुआ दिल्ली के अंदर आता है और हरियाणा में भी इसी तरीके के हालात बने हुए हैं और देश की राजधानी दिल्ली भी अब हाई अलर्ट पर आ गई है। आपको बता दें चंदकी राम अखाड़ा के पास हम इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर पानी सड़कों पर भी निकल कर आ रहा है, पानी इस तरीके से मार्केट्स में भी निकल कर आ रहा है। और अब अगर बारिश कल भी होती है तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये पानी चंदकी राम अखाड़ा को क्रॉस करते हुए कॉलोनियों तक पहुंचेगा। इस पर किस तरीके से सरकार रोक लगाती है, सरकार किस तरीके से इसे रोकती है, ये देखने का विषय होगा। फिलहाल के लिए तमाम यहाँ पर कट्टे जो है उन्हें रेते से भरकर यहाँ रखा गया है ताकि जो पानी है वो मेन रोड तक ना पहुंच पाए। बावजूद इसके बहुत सारा पानी जो है वो मेन रोड पर भी आ गया है। कहीं ना कहीं बहुत विकराल समस्याएं देखने को मिल रही हैं। समस्याएं इतनी ज्यादा हो रही हैं पर समाधान कुछ नहीं है। आप देखिए कितनी ज्यादा बाढ़ आ गई है, कितनी ज्यादा शॉप्स जो है वो पानी के अंदर डूबती हुई नजर आ रही है, कितनी ज्यादा लोगों को नुकसान यहाँ पर हुआ है। देखिए आप पूरे जो हालात यहाँ पर हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े कर देते हैं। क्या लगता है अब किस तरीके से आप अपनी दुकानों को बचाएंगे? अब तो जो बचा ऊपर टांगा हुआ उसको निकालेंगे, थोड़ा फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगे। अंदर इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी गई है सब? अंदर तो सब हुआ है जी, सब नुकसान तो हुई है, बहुत सारा नुकसान हो गया है, लोगों का नुकसान बहुत सारा हो गया है। अब प्रशासन इसे लेकर क्या कुछ करता है ये देखने का विषय होगा। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे हों, नौजवान हों, महिलाएं हों, सभी अंदर जा रहे हैं और जिस तरीके से पानी लगातार भरा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे भैया बाढ़ की स्थिति बनी हुई है? जी मैम यहाँ तो भाई साहब बहुत खतरा है, अब क्या बोले, मेरे बच्चे अंदर फंसे, दुकान मेरा पूरा डूब चुका है। आपका दुकान भी? हाँ, यहाँ पे मेरी दुकान ये रही है, साथ में जो देख रहे हैं आप, राइट साइड में नीले वाली फ्रिज लगा हुआ है। और नुकसान हो गया आप लोगों का? सर जी आपको गिनती नहीं, बाद में खुले हुए नुकसान तो काफी हो गया, कोई गिनती नहीं, कोई बताया नहीं हमें, कोई इतना ही नहीं करा गया कि इतना पानी बढ़ जाएगा। वो खाली ये बोला गया है, खाली ये बोला गया कि 2-2.5 लाख पानी आना, उसके बाद हमें कोई इंटीमेट नहीं दिया कि अपना सामान बचा लेना, इतना पानी आएगा ऐसे होगा। और आप हालत देख रहे हो, कोई प्रशासन कुछ नहीं, सरकार से नाराज है नाम, नाराज ये जी आप देख रहे हो भाई साहब, नाराजी है। 2013 में किस्ती गिरा रही थी यहाँ पे और खाना वगैरह सब मिल रहा था और सब कुछ हो रहा था, आज देखिए हालत इतना हो गया
और मेरा दुकान डूब चुका है, 24 नंबर है लास्ट में, 8 फुट पानी आ चुका है दुकान में और बच्चे के फंसे आके, हम यहाँ से नहीं जा सकते, बच्चे बोले नहीं जा सकते, मैं अभी बच्चे अंदर, हाँ हाँ अंदर है, छोटे छोटे पानी कितने बजे आया है? पानी तो कल से आ रहा है, कल से आज मॉर्निंग में आपका मोटा मोटा मानिए आप 12 बजे के अंदर अंदर पूरा मानिए आ गया था, आज ही आया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देखिए हालात कितने ज्यादा दहलने दिखाई आप ये तस्वीरें, अरे क्या कुछ कहेंगे भैया, बस पूछो मैं भाई जी, इतना बुरा हाल है मार्केट के अंदर, दुकान की सेटलमेंट करने में इतना टाइम वेस्ट हुआ है कि अभी तक सेटल नहीं कर पाया, सामान को कैसे एडजस्ट करा जाए, सबसे बड़ी मेन बात ये है, अभी भी हम अपनी शॉप का काम ही सेटल कर रहे हैं। सुबह मैं झलकू दिल्ली पर आपको तस्वीरें दिखा रहा था यमुना घाट की, वहां पर भी मैं पानी में नहीं घुस सकता था क्योंकि पानी इतना ज्यादा भरा हुआ है देखिए, और मैं यहाँ पर भी नहीं घुस सकता हूँ, देखिए कितने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के लोग अंदर हैं, ये तस्वीरें आप दिखाइए, महिलाएं बच्चे सभी अंदर हैं, बच्चों को लेकर अंदर हैं, डर नहीं लगता है? बहुत खतरा है और इसको हटाना चाहिए, तो बच्चों को क्यों अंदर लेकर बैठे, कम से कम ये हटाएंगे तो पानी बाहर जाएगा, हमको दिक्कत है, यहाँ पानी कम है, आगे देखिए आप, आगे देखिए, आगे जाके आगे देखिए 6 फुट पानी है, आप यहीं पर रहते हैं? हाँ यहीं रहते, पीछे कॉलोनी में रहते हैं, आगे देखिए पानी 6 फुट है और घर नहीं जा सकते हम लोग, मैं कम से कम 6 घंटे से बाहर फंसा हूँ। क्या लगता है अब इसमें नाव चलानी पड़ेगी क्या? नाव चलाना क्या, सरकार को कुछ भी नहीं कर रही है, 2013 में बहुत सुविधा था, 2013 में बहुत अच्छा काम किया था, अभी कुछ भी नहीं है, 2013 में यहाँ खत्म है, कोई सरकार ने कोई मदद नहीं किया। तो देखिए सरकार पे से कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा उठता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है, देखिए यही वो तमाम कट्टे यहाँ पर लगाए हुए हैं जिनकी वजह से इस पूरे पानी को जो है कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आप देखिए, ये देखिए नाव आ गई है, पानी के अंदर नाव चला दी गई है, ये तस्वीरें आप दिखाइए, पानी के अंदर अब नाव चल रही है, इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरीके से अब नाव चल रही है पानी के अंदर, आप देखिए देखिए नाव चला दी है लोगों ने, अब क्या इस नाव के सहारे आवाजाही इन लोगों की होगी, देखिए नाव के सहारे लोग आवाजाही कर रहे हैं, देखिए तमाम जो महिलाएं हैं उनको निकाला जा रहा है, देखिए तो घरों से सेफली निकल रहे हैं आप लोग, देखिए ये तमाम वो लोग हैं जिनको निकाला जा रहा है नाव के जरिए, ये देखिए ये सरकार द्वारा नाव चलाई गई है क्या भाई साहब? हाँ जी ठीक है, एक सेकंड रुकिए, देखिए जिस तरीके के यहाँ सरकार के द्वारा आप लोग लगा रहे हैं भाई, हम जवाब नहीं दे सकते, अभी ये सरकार ने चलवाई है नाव। हाँ भाई आप लोग अंदर से आए हैं? हाँ हम लोग अंदर मार्केट में रहते हैं। तो अंदर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? स्थिति क्या बुरा स्थिति, बहुत बुरी स्थिति है, पूरा पानी भर चुका है, देखिए ये नाव दिखा दीजिए आप लोग, इसी नाव के जरिए अब यही वो सहारा बन गया है लोगों के लिए, वो इसी नाव के जरिए लोग अब आवाजाही कर रहे हैं, ये जो नाव आप स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं यही नाव अब जरिया बन गई है लोगों के आवाजाही का, आप तस्वीरें दिखाइए कितनी दहने हैं, बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े होते हैं, लोगों को घरों से निकाला जा रहा है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो अंदर मार्केट में फंसे हुए हैं, लोगों का बहुत सारा नुकसान हो गया है, मार्केट भी है अंदर, कुछ रिहायशी इलाके भी हैं, जिसकी वजह से आज सरकार को कहीं ना कहीं ये ध्यान देना चाहिए कि दिक्कतें जो हैं उन दिक्कतों का कहीं ना कहीं जो समाधान है वो हो पाए। आप इस वीडियो को शेयर करते रहिए और लगातार आपकी जो राय है वो कमेंट सेशन में आप बता दीजिए, आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल आज खड़े हो रहे हैं। आप देखिए नाव के जरिए जो है नाव अब चलाई जा रही है और देखिए पूरे में पानी भरा हुआ है इस पूरे इलाके में, क्या कुछ कहेंगे भैया? नाव सिर्फ दिखाने के लिए आया हुआ है,
हाँ, नाव सिर्फ दिखाने के लिए आया साहब, दिखाने के लिए। हाँ, देखिए नाव के ऊपर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। हाँ, सिर्फ दिखाने के लिए आया हूँ। आज हमने वीडियो वाले किया, तब जाके प्रशासन आगे सिर्फ दिखाने के लिए। देखिए यही वो नाव वाले हैं, इनसे हमने सवाल किया तो ये लोग यहाँ से चले गए। और कोई मदद नहीं है हमारा, बस आइए थोड़ा सा। कोई मदद नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए आया हूँ। 2013 में कम से कम 7 नाव चली थी, 7 नाव। और खाना जो है हर वक्त खाना मिल रहा था, खाना हर वक्त मिला था। 2013 में याद है आपको? 2013 में कितने बाढ़ आई थी याद है आपको? 2013 में कितना पानी आता याद है ना? हाँ, उस टाइम सब कुछ मिल रहा था। आज देखिए मेरे बच्चे फंसे ऊपर, कोई नहीं बच्चे फंसे। ये देखिए ये जो नाव है ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर पहुंची है। ये देखिए कितने लोगों को निकाल पाए हैं, कितने फंसे पड़े थे? 7-8 निकाल दिए, 7-8 लोगों को निकाला है। और लोग हैं अंदर? अंदर अभी तो नहीं है, ऊपर मंजिल पे आने ही तैयार नहीं है। हाँ, आने ही तैयार नहीं है, लोग बाहर निकलने को अब तैयार नहीं है। अब दोबारा से क्या आप अंदर जाओगे? अब देखते हैं कैसे जाने के लिए गए, अंदर जाओगे दोबारा? हाँ, ये यहाँ पर आप बांध क्यों रहे हैं अगर अंदर लोग फंसे हुए हैं? आने तैयार नहीं है तो हम क्या करेंगे? आने के लिए तैयार, और रेस्क्यू नहीं करेंगे और लोगों को नहीं निकालेंगे क्या? अजय मान रहे कहा वापिस अंदर ही जा रहे हैं, हम अंदर से बाहर को निकाल रहे हैं, पर जी अंदर जाने के लिए तैयार है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? कहीं ना कहीं कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं लोग। कोऑपरेट कहाँ करेंगे, पानी चढ़ेगा अभी तो पानी यहाँ तक आ जाएगा, रात रात में यहाँ तक टिक जाएगा पानी। देखिए लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। ये देखिए ये नाव है दिल्ली सरकार की, ये नाव है, और मैं भी नाव में चलकर आपको दिखाता हूँ किस तरीके के हालात हैं। कहीं ना कहीं सवाल बहुत बड़े खड़े हो जाते हैं। कैमरा पर्सन को कहूंगा अंदर आए कैमरा पर्सन, और हम इलाके में चलेंगे और क्या कुछ हालात इलाके में बने हुए हैं वो हम जरूर दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। दिल्ली सरकार की ये नाव है, संभल के आइए थोड़ा सा। देखिए हम लोग आ गए हैं और हालात आज आपको झलकू दिल्ली पर हम लोग दिखाएंगे। नाव में हम लोग चढ़ गए हैं और यही वो इलाका है जहां से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। इस तरफ आइए भैया, थोड़ा थोड़ा बैलेंस जो है वो नाव में बनना बहुत जरूरी है। ये दिखाइए कितना ज्यादा पानी भरा हुआ है, कितने लोगों को निकाला है भैया? लगातार दिल्ली सरकार के जो कर्मचारी हैं वो निकालने में लगे हुए हैं। आगे को आ जाइए आप, और देखिए ये वो पूरा इलाका है। लोग देखिए स्विमिंग यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार सरकार और गाड़ी इनको निकालने की कोशिश कर रही है पर लोग निकलने को तैयार यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए आप ये तस्वीरें, ये मैं खुद नाव में बैठ गया हूँ, आपको ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। चंदकी राम अखाड़े के पास मैं इस वक्त मौजूद हूँ और नाव दिल्ली सरकार ने यहाँ पर चलवा दी है। ये लोग तमाम यहाँ पर हैं, तैर रहे हैं। तैर क्यों रहे हो भैया? यहाँ तैर रहे हो? स्विमिंग कर रहे हो? दुकान देखने आए हैं अभी? दुकान देखने आए हैं जी। देख ली तो दुकान अभी जाना है देखने के लिए। देखिए जिस तरीके से पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है, आप ये तस्वीरें दिखाइए। बहुत बड़े बड़े आज सवाल खड़े हो जाते हैं। आज सवाल इसलिए बहुत बड़े बड़े खड़े हो जाते हैं क्योंकि दिल्ली सरकार लगातार ये कोशिश तो कर रही है, नाव तो यहाँ लाई गई है पर लोग बैठने को तैयार नहीं है। ये देखिए तमाम लोग यहाँ पर आ गए हैं। क्या कुछ नुकसान हुआ है भैया? नुकसान हो गया है, आपका बचा है? नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है क्या? पूरा दुकान है पानी। दिक्कतें बहुत सारी हैं पर समाधान कोई भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये तस्वीरें आप लगातार देखते रहिए, कोई समाधान नहीं हो रहा है। समस्याएं बहुत सारी हैं पर समाधान ना ही तो सरकार करती हुई नजर आ रही है, ना ही प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है, ना ही व्यवस्था करती हुई नजर आ रही है। देखिए मैं खुद झलकू दिल्ली से नाव के बीच उतर गया हूँ और आपको इस इलाके के हालात में दिखा रहा हूँ। लोगों को निकालने के लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं पर लोग नहीं निकल रहे हैं। ये देखिए लोग खुद पानी के अंदर जा रहे हैं, लोग आ नहीं रहे हैं क्या आप लोगों के साथ? बाहर क्यों नहीं आ रहे सर? वो अपना आप ही जा रहे हैं। लोग नहीं आ रहे हैं क्या बाहर? उससे बात करो, वो करता है हमारे इसमें बात। आप क्या नाव चलाने वाले हैं? तो आप अंदर नहीं लेके जा रहे हैं? जा रहे हैं, देख लेके जो भी बैठ रहे हैं।
देखिए हालात इस वक्त, ये पूरा इलाका मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से इस पूरे इलाके में हालात लगातार बने हुए हैं। बद से बदतर हालात मैं आपको दिखा रहा हूँ जो इस पूरे इलाके में बने हुए हैं। अब नाव अंदर को जाएगी, बैठ जाइए, कैमरा पर्सन से मैं कहूंगा बैठ जाएं और ताकि दर्शकों तक तस्वीरें मैं पहुंचा पाऊं, वो तस्वीरें मैं दिखा पाऊं कि किस तरीके से देखिए लोग पैदल घूम रहे हैं। डर नहीं लग रहा है? डर लग रहा है। डर लग रहा है तो क्यों ऐसे घूम रहा है? नाव चल भाई, नाव ऐसी फोकट में नाव चल रहा है, बेकार है ना, बैठे नहीं कर रहा है ना, अभी जाना हम लोग चावी लेने रूम पे, नहीं चला रहा अभी ना आया। भैया लेके क्यों नहीं जा रहे हो? भाई अभी उनको छोटे थे यहाँ पे, आप इनको लेके जाओ, इन्हें जाना है तो लेके जाइए ना, किसी का सामान गीला हो रहा है, पूरा चाबी लाना है, सामान पूरे बर्बाद हो रहा है सबका, चाबी इनकी मंजिल पर तो छोड़ दो भैया, तो उतरो इसमें। नहीं, हम हालात दिखा रहे हैं इस इलाके के, तमाम हालात आप देखिए इस वक्त। दिखाता